ओम शांति। अपनी मृत्यु से पहले 1920s में एक महान लेखक डॉक्टर रसल कॉर्नेल ने एक कहानी कम से कम 6000 बार अपने भाषणों में अलग अलग जगह पर सुनाई और अलग अलग अर्थों से सुनाई। हमने भी बचपन में वो किताब छोटी सी पढ़ी थी जिसका नाम था एकर्स ऑफ डायमंड। उसके लेखक ने जैसे कहा, उस किताब में जो कहानी है वो 6000 से भी ज़्यादा बार वो एक ही कहानी सुनाई, अलग अलग जगह पर सुनाई, अलग अलग अर्थों से सुनाई। उस कहानी में एक किसान है, कहानी अफ्रीका के जंगलों की है, और वो जो किसान है उसके पास एक खेत है। उसे पढ़ने का बहुत शौक है, उसने किताबों में सुना, पढ़ा, और कईयों ने बताया भी कि अफ्रीका के किसी एक जगह पर, एक जंगल में हीरो की खान है, हीरे ही हीरे हैं। वो दिन रात इसी के बारे में सोचते रहता है कि मुझे वो हीरो की खान चाहिए, वो सारे हीरे मुझे चाहिए। और कई सारे किताबों में उन हीरो का वर्णन, लोगों के मुख से उन हीरो की चर्चा वो पढ़ते रहता था, सुनते रहता था। और एक बार नशा इतना उसको ज़्यादा हो गया कि उसने अपनी खेत को, अपने खेत को बेच दिया, सारे पैसा पैसा जो भी था वो इकट्ठा किया और हीरो की उस खान को खोजने के लिए निकल पड़ा, ढूंढने लगा। पूरी अफ्रीका वो भटकता रहा, खोजता रहा, पर उसे वो हीरे नहीं मिले। और एक दिन फ्रस्ट्रेटेड, दुखी होकर, उदास होकर उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया। उसका पूरा जीवन उन हीरो की खोज में चला गया, पर हीरे नहीं मिले। जिस व्यक्ति को उसने अपना खेत भेजा था, कोई दूसरा किसान, वो किसान एक दिन अपने उस खेत में बैठा है और उस खेत के ही वहाँ से एकदम लग के एक छोटी सी नदी गुजरती है। और वो किसान देखता है कुछ चमकीले पत्थर दिखाई दे रहे हैं और वो किसान उस नदी के पास जाता है। नदी सतही, बहुत ही कम पानी है, उसमें नीचे की ज़मीन दिखाई देती है, छोटी सी नदी है। वो उस पत्थर को उठाता है, वो पत्थर चमकीला है, बहुत बड़ा है, उसे लगता है ये किसी काम आएगा। उसे अपने घर लेके आके रख देता है, सोचता है जो घड़ी होती है उसमें कहीं वो पत्थर डाल देगा, शोपीस। एक हफ्ते के बाद ये जो दूसरा किसान है उसका मित्र वहाँ आता है उसके घर, और जैसे ही उस मित्र की नज़र उस पत्थर पर पड़ती है वो कहता है, ये तुमको कहाँ से मिला? वो कहता है, ये तो यहीं से मिला, बाजू से। वो मित्र कहता है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये इस देश का सबसे बड़ा हीरा है और सबसे कीमती पत्थर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला, वो जगह मुझे दिखाओ। वो दोनों जाते हैं उस नदी के पास और उस नदी में ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं और वो सभी पत्थर पत्थर नहीं बल्कि हीरे हैं। इन्हीं हीरो की खोज में वो जो पहला किसान था, ये उसी की नदी के पास था, वहीं उसका घर था, वहीं उसका खेत था,
और वो यहीं से निकल कर गया था, पर उसे पता ही नहीं था कि जहाँ वो रहता है वही वो एकर्स ऑफ डायमंड है। लेखक ने लिखा है, इस समय तुम जहाँ खड़े हो, जिस किसी घर में हो, जिस किसी जॉब कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, वहीं पर हीरो की खान छिपी है, वहीं पर सारा खजाना छिपा हुआ है। द एकर्स ऑफ डायमंड आर राइट नाउ अंडर योर फीट। केवल हम अनभिज्ञ है, सारे खजाने तुम्हारे ही घर में हैं, सारे खजाने तुम्हारे ही पैरों के नीचे हैं, सारे खजाने तुम्हारी बैग में हैं, पर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। और जो खजाने हमारे पास है वो सूक्ष्म है, अदृश्य खजाने हैं, स्थूल नहीं है, उन्हें कोई चुरा नहीं सकता। और इन खजानों के लिए कई सारी मुरलियों में बहुत सी चर्चा आती है। इन खजानों को इकट्ठा करो, इन खजानों का खाता बढ़ाओ, इन खजानों को जमा करो, इन खजानों को यूज़ करो, इन खजानों को जानो, इन खजानों के महत्व को जानो, इन खजाने के महत्व को इमर्ज करो। आज की मुरली क्या करो? इमर्ज। ये खजाने तुम्हारे ही है, और जो तुम्हारे पास है और किसी के भी पास नहीं है। इसलिए तुम कौन हो इस दुनिया में? द रिचेस्ट। कहाँ से खजाने मिले हैं तुमको? तीन बातें। किसके द्वारा मिले हैं? तीन बातें हैं। कौन सी? मिले कहाँ से? एक बाप से, दूसरा बाप की याद से, और तीसरा बाप के ज्ञान से। इन तीन चीज़ों की आधार के आधार से तुम्हें ये खजाने मिले हैं। बाप से मिले हैं, उसके ज्ञान से मिले हैं, और उसकी याद से। कौन से खजाने? ऐसे खजाने कि तुम एक कदम रखते हो और पदम जमा होता है। बाबा ने चैलेंज किया है। क्या चैलेंज है? जाओ जाके ढूंढो, संसार में ऐसा कोई है क्या? परंतु हमें ये जानना है कि ये खजाने हैं, और संसार जिसे खजाना समझता है वो वास्तव में खजाना नहीं है। महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम महाराज, उनके जीवन में वर्णन है कि उनके दुश्मन बहुत कोशिश करते हैं कि वो गाए ना, वो गीत ना लिखे, सब कुछ करते हैं, पर जब सब तरह से विफल होते हैं तो सीधा शिवाजी महाराज के पास जाते, कंप्लेंट करते हैं कि ये व्यक्ति धर्म भ्रष्ट कर रहा है, आप आकर कुछ करो। वो आते हैं परंतु झाड़ियों के पीछे छुप के खड़े रहते हैं, और उनके जो मंत्री और सिपाही है वो जाते हैं और कहते हैं, तब तुकाराम घर पर नहीं है, उनकी पत्नी है, बच्चा और बेटी और बेटा है, वो कहते हैं शिवाजी महाराज ने नजराना भेजा है, हीरे सब कुछ कपड़े। वो पत्नी पहले से ही बहुत दुखी है, वो कहती है मेरा पूरा संसार नष्ट कर दिया है इसने, दिन रात उसके पीछे पड़ा रहता है, जो वो कुछ करता नहीं। इतने खुश हो जाते और पहन लेते सारा कपड़े, पहनते ये पहनते वो पहनते, और तब तक ही आते हैं फिर तुकाराम। वो कहते देखो हमारे पास ये सब आ गया है, तो वो क्या करते हैं? वो एक एक आभूषण जो पत्नी ने पहने उसके गले से निकाल के नीचे डालते हैं और कहते ये विष है।
हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये गहनों की, इन वस्त्रों की, ये हमारे हैं ही नहीं। पत्नी कहती है कुछ नहीं होता, विष रहने दो, हम पिएंगे विष, शंकर के बाप बनेंगे, पर हमको चाहिए। वो कहते हैं मैं पीने थोड़ी दूंगा। और तब वो मंत्री सिपाही कहते हैं ये आपके लिए भेजा है खास। वो कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं आप चलो महाराज के पास। वो कहते हैं मैं भी क्यों आऊँ, वो अच्छा राजा है पर उसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है, तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास। और तब झाड़ियों के पीछे शिवाजी महाराज जो होते वो आते, और उनमें भी वैराग उदय हो जाता है। वो कहता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा वापस। हृदय में बैठे माया मोह के अंधकार को मिटाना ही जीवन का लक्ष्य है। वो किलों को जीत कर मैं क्या करूं, उन शत्रुओं को हरा कर मैं क्या करूं, मुझे तो हृदय का जो किला है, इस किले के अंदर जो दुश्मन है उनको हराना है। उनको वैराग आ जाता है, पर वो उनको फिर समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारा कर्तव्य वो है वगैरह वगैरह। तो कहने का भाव, जो प्रभु प्रेम में डूबे हुए हैं उनके लिए वो प्रभु ही खजाना है, उसका ज्ञान ही खजाना है, उसकी याद ही खजाना है। इस मुरली में 7 खजानों का वर्णन है। कौन कौन से? पहला समय, समय टाइम, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा श्रेष्ठ संकल्प। तीसरा शक्ति, गुण, ज्ञान, श्वास। और लास्ट में एक खजाने का वर्णन है, विस्तार से बोल। बोल कैसे? उसमें 2 बातें देखी जाती है, भाव और भावना। भाव कैसा? शुभ। और भावना कैसी? क्या लिखा है मुरली में? भाव कैसा और भावना कैसी? श्रेष्ठ क्या है? मिला कि नहीं मिला? ओपन बुक एग्जाम, अभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है स्कूल्स में, बच्चे अपनी किताबें खोलकर पेपर दे सकते हैं। तो बोल में 2 बातें देखी जाती है, एक भाव और दूसरा भावना। भावना कैसी हो? श्रेष्ठ भावना। और भाव कैसा हो? आत्मिक भाव हो, भाव आत्मिक। और ये छोड़कर अगर नहीं है और कुछ और है, क्या क्या? 3 बातें, ईर्ष्या, हसद और तीसरा घृणा। एक है ईर्ष्या जिसको कहते हैं जेलसी, एक है हसद जिसको कहते हैं एनवी, और तीसरा है घृणा, डिसलाइक। हसद और ईर्ष्या में क्या अंतर है? एनवी और जेलसी में क्या अंतर है? दोनों का एक अर्थ तो पक्का है कि दूसरे जब आगे जाते हैं या दूसरे के पास जो है वो हमारे पास नहीं है, उसके वजह से उत्पन्न होने वाला भाव। पर दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है, जेलसी और एनवी में। जेलसी ज़्यादा निगेटिव है, एनवी में एक और चीज़ ऐड है, एडमायरेशन, हेवा, उसमें एक चीज़ एडिशन है कि किस उस व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट भी है थोड़ा,
परंतु दुख भी है कि मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज़, तो वो थोड़ा सा कम नेगेटिव है। जेलसी 100% नेगेटिव, उसको गिराना है कैसे भी करके। तो बाबा ने कहा बोल में भाव, आत्मिक भावना श्रेष्ठ, ये हो गया बोल, और बोल के खजाने भी व्यर्थ ना हो। इसी मुरली में बाबा ने कहा 1 घंटे में चेक करो, वो संकल्प के लिए कहा पर सारे खजानों के लिए हो सकता है। तो सबसे पहला खजाना समय, टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए क्या करो, सुबह ही प्लानिंग बनानी है। बाबा ने कहा अमृत वेला ही तिलक ले लो, संकल्प वेस्ट ना हो। वेस्ट तो होते नहीं है पर बाबा ने कहा साधारण हो जाते, व्यर्थ वाले ज़्यादा चलते। तीसरा खजाना शक्तियाँ, शक्तियों को क्या करो, बढ़ाओ, कार्य में लगाओ। इसी मुरली में कहा है प्लान प्रैक्टिकल, वादे करते हैं परंतु कर्म में नहीं आता है, संकल्प और कर्म। अमृत वेले बाबा से वादे करते हैं। बाबा के पास क्या है वतन में, अलौकिक टीवी है, उसमें सब देखते दिखता है, पर बाबा दिन भर नहीं देखते। समटाइम्स चेक करते हैं खजाने किसने कितने बढ़ाए। शक्तियों को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, गुणों को बढ़ाना है, और छठवां खजाना श्वास, श्वासोश्वास याद। वैसे श्वास और समय कई कई मुरलियों में एक ही बताया गया है, यहाँ समय अलग और श्वास अलग बताया है। और सातवां बोल। तो ये 7 खजाने हैं, इनका क्या करो, जमा करो, इनको क्या करो पढ़ाओ, इनको क्या करो महत्व को समझो, इनको क्या करो इमर्ज रूप में रखो, इनको क्या करो प्रैक्टिकल में लाओ, व्यर्थ नहीं गवाओ। इस खाते को बाबा ने आज चेक किया। और इस मुरली में 2 प्रकार के दर्पणों की चर्चा है, कौन से, कौन से 2 मिरर्स की चर्चा है, 2 मिरर्स, उसमें अपने आप को देखना है। और क्या देखना है, पहला दर्पण ज्ञान का दर्पण, ज्ञान के दर्पण में क्या देखो, अपने तकदीर की तस्वीर। और संपूर्णता के दर्पण में क्या देखो, स्लोगन सूक्ष्म लगाओ। ये 2 दर्पण है। तो दर्पण में जब भी देखो तो देखो संपूर्णता का दर्पण, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है और ये मैं हूँ, इनमें क्या अंतर है। सूक्ष्म लगाओ, उसमें सूक्ष्म लगाओ, उसमें कोई लगाव नहीं है, इसमें ढेर सारे लगाव चिपके हुए हैं। ज्ञान के दर्पण में क्या देखो, तकदीर की तस्वीर। जब भी आईना देखो तो ये अभ्यास किया जा सकता है कि जो दिख रहा है उसको नहीं देखना, और क्या देखना, मेरा संपूर्ण रूप कैसा है और उसमें और इसमें क्या अंतर है। 1 सेकंड के लिए ये संकल्प लाया जा सकता है कि जो दिख रहा है वो मेरा संपूर्ण स्वरूप है, परंतु मैं, मुझे अभी वहाँ तक पहुँचना है। और एक दूसरा उसी से जुड़ी हुई बात जो मुरली में नहीं है, जब अपने आप को देखो तो अपने आप को स्वीकार करना। क्या करना, एक्सेप्ट योर सेल्फ, जो भी हूं जैसा भी हूं, मुझे मैं पसंद हूं, और उसको रिफाइन करते जाना है। जैसे एक वृद्ध महिला थी, उसने अचानक एक दिन आईना देखा तो पाए कि उसके केवल 3 ही बाल बचे हैं। तो उसने किया, उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बाल तो संवारने तो पड़ेंगे, बाल संवारती है और सारा दिन उसका खुशी में बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद देखती है तो 2 ही बाल बचे हैं। सोचती है अभी कुछ तो करना पड़ेगा, तो आधे इधर बीच से ऐसा। उसके अगले दिन देखती है तो 1 ही बाल बचा है,
कहती है अब क्या करूँ, चलो कोई नहीं एक ही बाल की चोटी बना लेती हूँ। फिर अगले दिन देखती है तो एक भी बाल नहीं, सोचती अच्छा हुआ रोज रोज की बाल बनाने की झंझट से मुक्त हुई। और फिर सारा दिन भर खुशी में जाता है उसका, चाहे तीन बाल है या दो है या एक है या नहीं है, अपने आप को स्वीकार किया है और सारा दिन कैसा गया, खुशी। कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, बाल गए तो गए, बालों की वजह से भी बहुत दुखी है लोग। तो सात खजाने क्या करना है, उनका चिंतन करना है, उनका मनन करना है, उसके बारे में प्लानिंग बनानी है, टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग, मैं क्या करूँ, कहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्टर्स की लिस्ट, एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट। और बाबा ने क्या कहा, जमा करने की दो विधियां इस मुरली में चर्चा की है, कौन सी, एक तो तीन बिंदी लगाना और दूसरी विधि दो विधियां हैं, ये विधि है खजानों को जमा करने की। पहली तीन बिंदी लगाना, कब लगाना, अमृत वेला, ये तिलक लगाओ कि मैं आत्मा हूँ, समान की बिंदी उसकी याद, और तीसरा फुल स्टॉप, जो कुछ फालतू है उसको फुल स्टॉप। तो ये है विधि नंबर वन। अब विधि दूसरी कौन सी है, जिसके आगे वाक्य बाबा ने कहा कि ये इससे खजाने बढ़ेंगे, खजाने जमा होंगे, जमा का खाता जमा होगा, कौन सा, ओपन बुक एग्जाम में तो और ही मुश्किल है, रूहानी नशा मैं कौन, कौन सा नशा, ये रूहानी नशा निरंतर रहे कि मैं कौन हूं, बस इतना भी रहा तो सारे दिन भर क्या होते रहेगा, खजाना जमा होते रहेगा। इसलिए बीच बीच में जब आईना देखो तो याद करना मैं कौन, बीच बीच में याद करते रहना मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन। बुद्ध का एक शिष्य था, नाटा पुट्टा ऐसा कुछ उसका नाम था, नाटा पुट्टा, हाँ यही था। वो पहले डांसर था, डांस करते हैं ना, नृत्य नर्तक, और एक दिन ऐसे ही वो करतब दिखा रहा था, लोगों की भीड़ थी और बुद्ध और बुद्ध के सन्यासी वहां से गुजरते हैं, उसे एकदम से आकर्षण होता है और वैराग जागता है और फिर वो भिक्षु बन जाता है, सन्यास ले लेता है, सब छोड़ देता है और अपनी साधना में लग जाता है। और कई वर्षों बाद एक बार भिक्षुओं का वो संघ किसी गांव से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर कोई दूसरा नर्तक डांस कर रहा है, तो बाकी भिक्षु बोलते हैं उसे, डू यू स्टिल लाइक डांसिंग, क्या तुमको अभी भी वो डांस पसंद है, अभी भी डांस करने की इच्छा होती है। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो सारे भिक्षु जाते हैं बुद्ध के पास, कहते हैं ये ढोंग करता है, ज़रूर इसको पसंद होगा। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, वो अरिहंत बन चुका है, उसके सारे मोह नष्ट हो चुके हैं। ऐसे इतिहास में इतने उदाहरण हैं कि लोगों ने जिसमें वो पहले डूबे थे, जैसे ही नया जीवन चालू हुआ, पुराने का नाम निशान नहीं रहा। तो सात खजाने
उनको याद करना, उनका स्मरण करना, उनको इमर्ज रूप में रखना, उनको प्रैक्टिकल में लाना, ये सारे काम करने हैं। और विधि है मैं कौन ये रूहानी नशा, और विधि कौन सी है, तीन बिंदी। जो हो गया वो हो गया, अब उसका क्या करें, उसका कुछ नहीं कर सकते। पास्ट को हम नहीं बदल सकते, जहां खड़े हैं बस वहीं से चालू करना है। तो मुरली में ये बातें हैं। उसके बाद और क्या क्या है इस मुरली में, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन कौन सा जीवन है, अलौकिक जीवन है, मज़े का जीवन है, इसमें मुश्किल कहाँ से, मौज का जीवन है। और मुश्किल को मिटाने की विधि क्या है, अगर मुश्किल अनुभव हो रहा है तो क्या करो, योग अग्नि याद करो, तुम कौन हो, तुम्हारा टाइटल क्या है, विश्व परिवर्तक, विश्व को परिवर्तन करते हो परंतु अपनी मुश्किल को मिटा नहीं सकते, याद दिलाओ खुद को। और मुश्किल और बोझ किसकी वजह से है, तुम्हारी वजह से। अगर मेहनत लग रही है और मुश्किल लग रहा है और बहुत भारीपन है दिमाग में, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, इतना पक्का है। क्योंकि ज्ञान क्या बनाता है, हल्का, परंतु ज्ञान का ही बोझ है तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो बाबा ने कहा ये अलौकिक जीवन है, ये मौजों का जीवन है, ये मुश्किल जीवन नहीं है, ये सहज जीवन है। असंभव शब्द क्या ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। और बच्चे तीन बहाने बनाते हैं बाबा के पास, कौन से बहाने, कौन से बहाने हैं, सबने पढ़ी है मुरली या केवल सुनी है, केवल सुनी है तो कुछ याद नहीं रहेगा, पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा, अगर चिंतन किया है तो वो जीवन बन जाएगा, अंदर घुस ही रहेगा। और उसको फिर से रिवाइज किया है, सुबह सुना फिर पढ़ा फिर उसका चिंतन किया और थोड़ा सा गैप देने के बाद उसको फिर से रिवाइज किया, तो वो एक हफ्ता तक तो चलेगा, एक हफ्ते के बाद अगेन नेक्स्ट रिवीजन। लास्ट संडे क्या था, आज्ञाकारी कुमार, कुमारों पर मुरली थी ना, कुमार अर्थात आज्ञाकारी, कुमार अर्थात विघ्न विनाशक, कुमार अर्थात सूक्ष्म सेवाधारी, कुमार अर्थात मनन करने वाले, कुमार अर्थात मनन पहला पॉइंट था, आज्ञाकारी दूसरा, कुमार अर्थात डबल लाइट, कुमार अर्थात हल्का, वो डबल लाइट में आ गया। तो रिवाइज करते रहना है, और रिवाइज करने के लिए टाइम तभी मिलेगा जब व्यर्थ की चर्चाओं से मुक्त रहेंगे। फोन चैटिंग्स सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, मैसेज ही करते रहते हैं दिन रात। निमहांस इंस्टीट्यूट है साउथ में, वहाँ पे एक कन्या एडमिट हुई थी, उसको मैसेजिंग का एडिक्शन हो गया था, उसके लिए दिन भर मैसेजेस, वो छुड़ाने के लिए उसको एडमिट किया गया था, चैटिंग एडिक्शन। क्या भेजना है किसको, फोन, क्या बात करनी है, टाइम वेस्ट। और बाबा कहते बहुत सहज है, और फिर हम कहते मुश्किल है, और मुश्किल के तीन बहाने कौन से, बहाने कौन कौन से, करेंगे देखेंगे, ये बहानों में नहीं है। वायुमंडल ही ऐसा था, हिसाब किताब है, और तीसरा
क्या करे हंस बगुलों के साथ रहना, हंस बगुले एक साथ है, ये तीन बताए ना, ये है बहाने। बाबा आपको पता नहीं, परिस्थिति ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था, विकारों की आंधी चल रही थी, और तीसरा ऐसे शैतानी लोगों के साथ रहना पड़ता है, क्या बताऊं बाबा। आत्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, और किसके द्वारा विघ्न आएंगे, शरीर के द्वारा। व्याधि व्याधि व्याधि, क्या करो व्याधि आ गई तो, बीमारी आ गई तो, एक एक ऑप्शन है रोना। बुखार आया तो रोते हैं लोग, बहुत बुखार आ गया, रोना आता है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, एक ऑप्शन। ऑप्शन टू, बुखार है जो है होने दो, हम अपना चालू रखेंगे हिम्मत से शक्ति से, और ज़्यादा बीमार होते फिर। तीसरा, सोचते क्या क्या है मन में, हाय 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 मेरे पास ही क्यों आती है बीमारियाँ, मैं ही क्यों, क्या करो। कोई मेहमान अगर आए तो उसकी क्या करो, महिमा करो, तो महिमा करोगे तो वो जल्दी जाएगा या रहेगा, तो व्याधि की भी महिमा करो, वाह व्याधि वाह, आहा क्या घुटनों में फर्स्ट क्लास दर्द हो रहा है, आहा क्या कमर दर्द है, ऐसा सिर दर्द आज तक नहीं था। उनसे तंग नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, वो आई है चली जाएगी। ये संसार में सब कुछ अनित्य है, विकार भी अनित्य है, बीमारियां भी अनित्य है, आएगी और जाएगी, मैं अलग हूं, मैं डिटैच्ड हूं। रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर था, इतनी पीड़ा होती थी, कुछ खाना पीना बंद हो गया था, लिक्विड भी नहीं ले पाते थे, पहले सॉलिड नहीं ले पाते थे, फिर लिक्विड नहीं ले पाते थे, थ्रोट कैंसर। सारे भक्त इकट्ठे हुए, नरेंद्रनाथ, सारे राखाल, उन्होंने कहा ठाकुर तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि अपनी माँ को क्यों नहीं कहते कि इसको ठीक करो, या आप अपनी योग शक्ति सारा फोकस यहाँ कर दो, ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं मेरा मन मेरा चित्त निरंतर उस ईश्वरीय याद में रहता है, मैं वहाँ से मन को निकाल कर इस तुच्छ शरीर पर लगाऊं, और वो भी इस तुच्छ तरीके शरीर की ये तुच्छ बीमारी के लिए, ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और ये शरीर तो क्या, आज ये बीमारी, कल दूसरी बीमारी, कल तीसरी बीमारी, कुछ ना कुछ तो होना ही है, एक से छूटे तो दूसरी गले आती है। हाउ वी रिएक्ट, अगर हो गई बीमारी, उसके बाद की स्थिति की बात कर रहे हैं, बीमारी हो गई, अब बीमारी होने के बाद में कितनी सारी रिएक्शंस होती है। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनकी हर एक के बारे में कंप्लेंट है। कोविड के समय दो लोग एडमिट हुए थे एक ही साथ आइसोलेशन में, और एक जो थी उसकी इतनी कंप्लेंट्स थी, सब कुछ ही खराब है, और जो दूसरा था, दूसरी थी, वो पहले ही दिन से इतनी खुश, हाँ ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, ये भी अच्छा है, एक ही साथ है, एक ही कमरे में दो, उसकी ढेर सारी कंप्लेंट्स, एक की एक भी कंप्लेंट नहीं, जाते समय ग्रैटिट्यूड लेटर भी लिख के गई। और दूसरी जो थी, जो पहली, इतनी कंप्लेंट्स, दरवाजे भी ठीक नहीं है, लिफ्ट भी काम नहीं करती है, दरवाजे की साइज भी छोटी है, हर चीज में कंप्लेंट थी उसकी,
माइंडसेट। तो बीमारी अगर आ जाए तो क्या क्या सोचेंगे, ये एक टॉपिक है, अच्छा इसके ऊपर लिख सकते हैं चिंतन। बीमारी आ गई, एक तो है कि आना ही नहीं चाहिए ऐसी दिनचर्या, ऐसा खान पान वगैरह वगैरह, पर वो सब छोड़ो, आ गई अब क्या करेंगे। आज डायग्नोज हो गया कैंसर है, कौन सी स्टेज है, क्या स्टेज है, अभी आगे की जांच कल से चालू होगी। अब आज की रात है और अमृत वेला है, क्या करेंगे? अब है तो है, इसको पहले स्वीकार कर लो कि ये किसी जन्म का हिसाब है या परीक्षा है या पेपर है जो मुझे पास करना है। ये पूरी मुरली किस पर है? पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर के लिए खजाने जमा चाहिए, इन खजानों को फिर बढ़ाओ, इन खजानों को बढ़ाने की फिर विधि, ऐसी पूरी मुरली है। तो कहाँ गया सारा खजाना? कितने संकल्प, कितने संकल्प, क्या होगा, क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हजारों प्रश्न। स्वीकार ही नहीं कर पाती आत्मा कि ये हो गया है। डॉक्टर शॉपिंग, इधर से उधर, उधर 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 से उधर, आश नहीं छूटती। विदेश की स्टोरी, एक पेशेंट है, बूढ़ा हो गया है, कैंसर है और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है। डॉक्टर सब समझाते हैं उसको कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जो है वो है, जो करना था हम लोगों ने कर दिया। आपकी कोई इच्छा है? वो कहता है यस, सेकंड ओपिनियन। जीवेशना, तो बाबा ने कहा व्याधि आ जाए तो क्या करो, वाह 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 के गीत गाओ। क्या क्या वाह वाह इस मुरली में? वाह मेरा भाग्य, वाह मैं, वाह बाबा, वाह परिवार, वाह मेरी तकदीर, वाह परिवार, अंदर से वाह वाह के क्या बजने चाहिए, गीत गाए निकलते रहने चाहिए। जो भी हो रहा है होने दो, पर हर बुराई में अच्छाई छिपी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। बाबा ने इसी मुरली में कहा, तुम लोग कौन सा कोर्स कराते हो दूसरों को? पॉजिटिविटी का कोर्स। अब अपने आप को ये कोर्स कराओ, कहाँ है ना इस मुरली में, खुद को ही कोर्स कराओ पॉजिटिविटी का। वर्स्ट सिचुएशन है, 100% नेगेटिव सिचुएशन है, क्या इसमें भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है? तो बीमारी आ जाए तो गुनगुन गीत गाओ, बीमारी आए तो उसको एक्सेप्ट करो, बीमारी आए तो जो ट्रीटमेंट चालू हो जाए उसको भी प्रेम से स्वीकार करो, और बीमारी आ जाए तो संपूर्ण निश्चय से, फेथ के साथ कि ये मैं गोली जो खाऊंगा जो मेरी सारी बीमारी को ये ठीक कर देगा, इस संकल्प के साथ, जो दे रहा है उस पर भी विश्वास। विश्वास ही नहीं होता है सबसे पहली बात, उसलिए ठीक भी नहीं होते, और जिनको विश्वास होता है वो फटाफट ठीक हो जाते हैं, जिनको विश्वास नहीं होता है वो डॉक्टर शॉपिंग उनकी चालू रहती है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इसको भी दिखा दो, उसको भी दिखा दो, इसको भी दिखा दो, उसको भी दिखा दो, भटकते रहते। तो ये थी व्याधि की बात। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या है इस मुरली में? प्राप्तियों का, प्राप्तियों को सामने रखो, खजानों को इमर्ज रखो, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट। बाबा ने कहा भाषण अगर तुमको देने का हो कहो तो कितना देर करोगे? एक घंटा तो बहुत कम है, उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। बाबा ने किसी मुरली में कहा है बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण करते हैं, और बाप बच्चों के भाषण को सुनते हैं, ये भी कहा है एक मुरली में। वो वहीं पे कहा है कि अपना कोर्स खुद कराओ आप। अगला, और क्या है इस मुरली में? हाँ, यहाँ पे
थोड़ा चेंज कर दिया, समय के विषय में कहा, परंतु एक तरफ समय, एक तरफ बाप, एक तरफ समय टीचर, एक तरफ बाप टीचर, एक समय मास्टर, बाप मास्टर, एक तरफ समय रचता शिक्षक मास्टर, एक तरफ बाप रचता मास्टर या तुम रचता। समय का इंतजार नहीं करो। और इस मुरली में जो हमेशा आता है वो वापस आया है, लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स, अर्थात लंबे समय का पुरुषार्थ, एक दो दिन से नहीं होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग, वो आदत बन जाए, वो एक क्या बन जाए, संस्कार। लोग आते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग अमृत वेला करते हैं तो उसकी कभी गिनती करते हैं क्या? मेरे 50 अमृत वेले हो गए, 20 अमृत वेला हो गया, इसकी कोई गिनती है क्या? और हमसे कोई पूछने आए कि मुझे एक एग्ज़ाम देनी है, और मैंने सुना है मेडिटेशन एग्जामिनेशन में काम करता है, तो मुझे पास होना है, तो कितने दिन मेडिटेशन करूं? क्या उत्तर है? बाकी मुझे और कोई लेना देना नहीं तुमसे, तुम मुझे अपना राजयोग सिखा दो, मेरा लक्ष्य है एग्जाम पास करना है बस। तो क्या कहेंगे? ये वैसा ही है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तो जीवन उसको बनाना है मेडिटेशन, उसकी कोई गिनती थोड़ी ना है। जब ज्ञान समझ में आ गया तो अपने आप आँख खुलेगी सुबह, अपने आप अंदर से कोई धिक्कारेगा, क्या कर रहे हो, सो रहे हो? सुबह का समय कितने सारे काम करने हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, चक्र लगाना है, विश्व की आत्माओं को सकाश देना है, बाबा से बातें करनी है, दृष्टि लेनी है, दृष्टि देनी है, प्लानिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर वो समय हमारा सोने में जा रहा है या खाली एक घंटा हम कर रहे हैं, 4 से 4:45 45 मिनट्स बस, तो क्या कहेंगे? आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए 15-20 मिनट लगते हैं, और हमारा अमृत वेले का अवधि केवल 1 घंटे की है, तो क्या कहेंगे? उसको धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है, 5-5 मिनट्स पीछे पीछे जाओ। तो अमृत वेला, तो बाबा ने क्या कहा, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर समय के आधार पर तुम चलोगे तो समय तुम्हारा टीचर होगा, फिर पद भी समय अनुसार मिलेगा, समय वैराग दिलाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने में आ रही है कि फिर वैराग आता है वो सब देखकर, परंतु ये सब बाद में होगा, पहले ही वैराग आ जाए, पहले ही मुझे नहीं चाहिए कुछ। हमारे ओपड़ी में एक साधु महाराज आते थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो हमने एक बार उनसे ऐसे ही पूछा था, वो थे 80 वर्ष के, हमने कहा आपने संन्यास कब लिया? तो उन्होंने कहा जब मैं 60 वर्ष का था तब। उन्होंने कहा क्यों लिया? क्यों लिया मतलब, उन्होंने कहा पत्नी थी वो मर गई, वो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो आश्रम अच्छा था, तो सोचा संन्यास ले लूं, तो फिर संन्यास ले लिया। हमने कहा तुरंत लिया क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कहा पहली पत्नी गई, फिर दूसरी शादी की, वो भी गई, उसके बाद फिर संन्यास लिया, एकदम वैराग उदय हो गया कि व्यर्थ है सब संसार। समय शिक्षक, सारा ज्ञान मुरलियों में है। ज्ञान के खजाने को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो पढ़ना पड़ेगा। मुरलियों को निकालो, धूल खाती बैठी हुई है किताबें को, बाहर निकालो। खरीद के तो रखी है बुक्स, पर वो क्या कह रही है, हमारा करना क्या है, क्यों खरीदा था? तो समय की बात और क्या है इस मुरली में? तुम कौन हो वरदान में?
कोई वीआईपी होता है तो उसका बेटा अपने आप को क्या समझता है? वीआईपी। तुम भी कौन हो? जो ऊँचे ते ऊँचा बाप है उसकी संतान हो, तो तुम भी कैसे हो? उसके जैसे ही ऊँचे ते ऊँचे। ये नशा तुमको होना चाहिए। ऊँचे ते ऊँचा कार्य करने वाले, ऊँचे ते ऊँचा युग, ऊँचे ते ऊँचा बाप, सब महान। तो वरदान। और क्या है इस मुरली में? ड्रिल, ड्रिल है, ड्रिल। कौन सी ड्रिल? माइंड कंट्रोल हो, एक सेकंड की ड्रिल। एक सेकंड में क्या बन जाओ? परम धाम निवासी। परम धाम में बीच बीच में जाके आना चाहिए, नहीं तो कभी कभी अचानक कभी जाओगे हफ्ते में एक या दो बार तो सब अनजाना सा लगेगा, क्या है ये। रोज आना जाना चालू रहना चाहिए ताकि जगह क्या हो, एक्वेंटेड, यू नो ये है, रास्ते पता रहेंगे कहाँ से जाना है। अभी भी तो आत्माएं हैं ऊपर, तो परमधाम का बीच बीच में चक्कर, और वो कितना टाइम में? एक सेकंड में। माइंड कंट्रोल, परमधाम निवासी हो जाओ। ये ड्रिल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड में शरीर से डिटैच्ड, एक सेकंड में आवाज से परे, एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त, एक सेकंड में अभी अभी सेवा कर रहे, अभी अभी आवाज में, अभी अभी भाषण दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, एकदम हजारों लोगों के बीच में है, पब्लिक सेक्टर में है, बहुत बोलना पड़ रहा है, सब कुछ है, और फिर अगले ही मोमेंट चुप, स्टैचू, किसी से कोई मतलब नहीं, सेवा हो गई, फुल स्टॉप। ये प्रैक्टिस करनी है। आवाज में, आवाज से परे जाने की भी प्रैक्टिस चाहिए, तो वो दूसरी वाली भी चाहिए, आवाज में आने की, क्योंकि परे जाने के बाद फिर इच्छा नहीं होती है, वो भी प्रैक्टिस चाहिए। शरीर से बाहर जाने की और वापस आने की भी चाहिए, बोथ। बाह्य मुक्ता की भी तो अंतर्मुक्ता की भी। केवल अंतर्मुखी होकर रहेंगे ना इससे काम नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने पर बाह्यमुखी, फिर अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होकर बाह्यमुखी बनो, किसी मुरली में कहा है बाबा ने। और क्या है इस मुरली में? हाँ, तीन विंग से बाबा मिल रहे, एक तो बिजनेस, इंजीनियरिंग साइंटिस्ट, और तीसरा रूरल। रूरल को बाबा ने क्या कहा? रूलर, टॉन्ग ट्विस्टर। रूरल विंग वाले कौन है? रूलर। और क्या है इस मुरली में? प्लेन प्रैक्टिकल, समान हो, संकल्प किया कर्म, बोझ ना हो, सारा बोझ किसको दे दो? बाबा को दे दो। किसी शहर में पहली बार ट्रेन चालू हुई और एक गरीब व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ा, उसके पास सामान था, ट्रेन में चढ़ने के बाद भी सामान उसने सिर पर रखा, तो उसको कहा कि नीचे रख दो। बोले क्यों अननेसेसरी बोझ दूं मैं ट्रेन पर, जब मैं यहाँ रख सकता हूँ, ट्रेन पर क्यों मैं अपना अलग एक्स्ट्रा बोझ डालूँ सामान का? बाबा ने क्या कहा? बोझ मुझे दे दो। पर कैसे दे? देने की विधि क्या है? वो स्थूल तो है नहीं ये लो, हाँ पर ये विधि हो सकती है, स्थूल बना दो उसको, ये किया जा सकता है ना, स्थूल क्या कर दो, बना दो। एक एम्प्लॉय था, वो बहुत मेहनत से काम करता था और पूरे दिन भर कुछ कुछ होते रहता था। एक दिन उसका जो मालिक था ज़्यादा ही लेट हो गया, तो मालिक ने कहा तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, मेरा घर वहीं से आगे है। तो वो मालिक उसको अपनी कार में बिठाता है और ले जाता है, बीच में उसका घर आता है और वो व्यक्ति जाता है, पर जाने से पहले, दरवाज़ा खटखटाने से पहले, मालिक अभी कार में ही बैठा है, देख रहा है, वो क्या करता है,
वहाँ एक झाड़ है, वहाँ पे ऐसे कुछ निकालता है और टंगा देता है और फिर अंदर जाता है। मालिक को बहुत आश्चर्य होता है, व्हाट वाज दिस। वो अंदर जाके पूछता है, ये तुमने क्या लटकाया। वो कहता है, वो मेरा ट्रबल ट्री था। कौन सा ट्री? ट्रबल ट्री। मेरी जो भी टेंशन होता है ना दिन भर, मैं घर में क्यों ले जाऊं? वो झाड़ को बाहर रखा है, तो जो भी मेरी चिंता है होता है, मैं सब उसमें लटका देता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। तो उसने क्या किया है कि इमेजिनेशन क्रिएट किया, एक ट्रबल ट्री। तो बोझ दे दो, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? कोई इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, लिखो और उसको जला दो। देखा वो, उसको देखना है उसको जलते हुए। ऐसे कुछ भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो स्थूल होकर, ठीक है। तो एक तो बोझ की बात थी, एक तो वाह वाह की बात थी, एक तो समय की बात थी, खजानों की बात थी, सफल करने की बात थी, इमर्ज करने की बात थी, तीन बहानों की बात थी, और बिंदी क्वेश्चन, हाँ ये भी था, क्वेश्चन मार्क अगर लगाओगे तो गिरोगे और बिंदी अगर लगाया तो आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन मार्क्स, जीवन ही प्रश्न उत्तरों से भरा हुआ है, प्रश्न से भरा है, उत्तर नहीं। प्रश्न, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये क्यों, ये वो क्यों, ये ऐसे क्यों, सब क्यों 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 क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाबा ने कहा, प्रश्न चिन्ह लगाया तो क्या होगा? गिरोगे, बिंदी, फुल स्टॉप, नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो आर्गुमेंट, बस फुल स्टॉप। अब उसको सिद्ध नहीं करना है, उसकी जिद नहीं करनी है, कुछ नहीं, जस्ट मूव अहेड। तो ऐसे सर्व खजानों के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे फालतू को फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे तीन बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे रिचेस्ट, ऐसे हाईएस्ट, ऐसे भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे खजानों को बढ़ाने वाली आत्माओं को, खजानों का खाता जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे वायदा निभाने वाली आत्माओं को, वायदे को कर्म मिलाने वाली आत्मा, ब्राह्मण जीवन में खुद को ही पॉजिटिविटी का कोर्स कराने वाली आत्माओं को, ऐसे बोझ मुक्त आत्माओं को, अपने अलौकिक दर्पण में अपने तकदीर की तस्वीर देखने वाली आत्माओं को, ऐसे संपूर्णता के दर्पण में अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करने वाली चेक कर मुक्त होने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे फाइल को खत्म, बाप दादा के पास फाइल्स है सर, ये भी कहा है बीच में, भस्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे तकदीर का हो गया, ऐसे ऐसे सदा मौज में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मुश्किल योगी नहीं सहज योगी आत्माओं को, ऐसे फुल स्टॉप हो गया, ऐसे बोझ बाबा को देना हो गया, ऐसे खुद को वीआईपी के जो बेटे होते हैं खुद को वीआईपी समझते हैं, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची ऊंची संतान समझने वाली आत्माओं को, ऐसे प्लान प्रैक्टिकल हो गया, ऐसे ऐसे वाह वाह करने वाली आत्मा को, बीमारी आ जाए तो वाह बीमारी वाह, वाह डायबिटीज वाह, वाह ब्लड प्रेशर वाह, विश्व परिवर्तन का ठेका लेके रखा है तुमने, तो मुश्किल को हटा नहीं सकते, वाह एक बाल भी अगर हो तो भी क्या, तो भी खुश रहने वाली आत्माओं को, और सारे बाल अगर चले गए तो भी एकदम खुशियों में खग्गी मारने वाली आत्माओं को, बाल तो आज है कल चले जाएंगे, कदम में पदम जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे परम धाम एक सेकंड में परम धाम निवासी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी ड्रिल करने वाली आत्माओं को, असंभव जिनकी डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे पास विद ऑनर होने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।